नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। लड़की को अगवा कर जंगल में ले गया, गोद में उठाकर लिए फेरे, अब गरमाई राजनीति। जैसलमेर से एक युवती को अगवा कर उसके साथ जबरदस्ती गोद में उठाकर फेरे लेने वीडियो वायरल हो रहा है। घटना 1 जून की बताई जा रही। वायरल वीडियो का मामला जैसलमेर के मोहनगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के सांखला गांव का बताया जा रहा। हालांकि पुलिस के द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया है। वीडियो के वायरल होने के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। दिल्ली महिला आयोग ने भी राज्य सरकार से कार्रवाई की मांग की है। दरअसल वीडियो में आरोपी युवक सुनसान जगह लड़की को गोद में उठाकर जमीन पर घास में आग लगाकर उसके इर्द गिर्द अग्नि के साथ फेरे लेता दिखाई दे रहा है। वीडियो में एक महिला भी नजर आ रही है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि युवक की सगाई पूर्व में इस युवती के साथ होनी थी, लेकिन परिजनों द्वारा शादी का इनकार करने से युवक ने युवती को अपहरण कर फेरे ले लिए। घटना के बाद युवती के परिजनों ने थाने में इसकी शिकायत दी और विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में आरोपी को पकड़ लिया है। घटना का वीडियो वायरल होने के साथ ही अब इस मामले में राजनीति भी हो रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट कर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। मेघवाल ने घटना के वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, राजस्थान में कांग्रेस ही जंगल राज कायम है। वहीं दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन ने सीएम अशोक गहलोत से कार्रवाई करने की मांग की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे वीएमआर भारत टीवी के साथ।